ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन। So today now we are going to start with a new service. As I told you day before yesterday, now we'll be starting with S3. So this will be our third service. Now we have covered IAM and EC2. This will be our third service, which is very much important. The basic understanding of simple storage service is very much important because it is what do you say? It is building block of AWS, you can say. In every architecture, whether there is other services or there are not, S3 will be part of it. Okay. I would say 95% companies who are using AWS will be using S3 mostly. ठीक है, अगर कंप्यूट के लिए सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो वो लोग S3 स्टोरेज के लिए करते ही है, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंट है मेन S3। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स, जिनकी जैसे GCS बकेट है GCP का, और AWS ब्लॉब स्टोरेज है Azure का। ठीक है, सॉरी Azure ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में S3 इज अ वेरी एफिशिएंट सॉल्यूशन। तो S3 बहुत यूज होती है। S3 का बहुत डेप्थ में नॉलेज आप ग्रेजुअली लर्न करोगे जब चीजें परफॉर्म करोगे। ठीक है, लेकिन हमें एक ओवरऑल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग अभी जो भी चीजें कवर कर रहे हैं ना, उसकी एक क्या बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी है। ठीक है, जो भी सेशन में पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करो। थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको लगती है कि कुछ मिस आउट हो रही है, अपने एंड से कवर करो। ठीक है, एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड इन द क्लास। सो लेट स्टार्ट विद S3। S3 क्या है, किसी को पता है? What is simple storage service and why storage services are required in cloud platform? Yes, कोई बोल रहा था अभी। बोलो। ये जो भी AWS के सर्विसेज यूज करते हैं इसको अलाउ करता है स्टोरेज के लिए, मीन्स यस। इस स्टोरेज टाइप का। ओके, तो हाँ बोलो। सिंपल स्टोरेज सर्विस इट्स कलेक्ट स्टोर एंड एनालाइज द डेटा इन एनी अमाउंट एंड इन एनी फॉर्म और इन एनी वे, मीन्स अच्छा, वो आपके एनीस को एक्सप्लेन करो, मतलब क्या बोलना क्या चाहते हो, सिंपल वर्ड्स में बोलो, मतलब आपको क्या समझ में आता है इस तरीके से, क्या होता है स्टोरेज सर्विस, क्यों रिक्वायर्ड है। जो भी हमें ना अभी टेक्निकल जागन यूज करने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं। जब आप पढ़ोगे उसके बाद आप खुद के डेफिनेशन और खुद का एक्सप्लेनेशन खुद से अच्छे से बोल पाओगे। आई जस्ट वॉन्ट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है, यानी कुछ स्टोरेज सर्विस क्यों लगती है, स्टोरेज क्यों लगता है, डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क में स्टोरेज क्यों लगता है, क्या मतलब क्या एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं एक स्टोरेज के। तो वी कैन से लाइक इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर एंड रिट्रीव द लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यस, इन अ सिक्योर लाइक टू अ सिक्योर हैव अ सिक्योर मैनर लाइक सेफ्टी वन थिंग यस, कैन ओके, या दैट इज वन एप्लीकेशन। और क्या हो सकता है आपकी डेटा हेलो प्रोसेस। यस बोलो। हेलो सर यस वी कैन परफॉर्म दैट स्टोर डेटा एज वी रिक्वायर्ड एंड एज इट नीड्स मीन्स ओके, यस we do not need to whole data at a time processing means whatever is there necessary we can perform on that so ओके, storage is necessary. वी कैन क्वेरी द डेटा एज पर आर नीड। ओके, ये हाँ यस बोलना चाहते हो? ठीक हाँ यस सर है, देखो मतलब देखो इसके बहुत सारे ये होंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बेसिक सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है एक कोई स्टोरेज सर्विस के रिक्वायरमेंट का। आपको ना एक क्या बोल सकते हो, स्टेजिंग एरिया चाहिए होता है।
अगर आप एंट्री इनटू एडब्ल्यूएस कर रहे हो और एडब्ल्यूएस की कंप्यूट सर्विसेज यूज कर रहे हो लाइक ईसी2, ईएमआर, ईसी2 भी बोल सकते हो, और जैसे ग्लू है, रेड शिफ्ट है, रेड शिफ्ट के लिए खुद का स्टोरेज है राइट, लेकिन ईएमआर ग्लू के लिए एक इंटरमीडिएट स्टोरेज चाहिए आपको जो आपके स्टेजिंग के तरह एक्ट करेगा राइट। तो व्हेन यू आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम एनी ऑन प्रेम सर्वर्स और अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स, यू नीड एन इंटरमीडिएट स्टोरेज टू एक्ट एज अ क्या बोल सकते हो, स्टेजिंग एरिया, ठीक है। तो उसके लिए S3 यूज होती है, ठीक है। S3 में जनरली हम लोग ना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो सिंपल स्टोरेज सर्विस एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कोई भी AWS यूज्ड डेटा प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग S3 के जाने से पहले आपको मैंने ना बीच में पूछा था कि स्पार्क में आपने ब्लॉक स्टोरेज पढ़ा होगा, तो व्हाट इज ब्लॉक स्टोरेज, व्हाट इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज, इसकी अंडरस्टैंडिंग, ब्लॉक स्टोरेज की अंडरस्टैंडिंग उस दिन मैंने थोड़ी बहुत दी थी कि व्हाट इज ब्लॉक, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक। किसी को समझ में आया था क्या उस दिन कुछ? या डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशंस। यस, और पार्टीशंस तो या ठीक है, पार्टीशंस तो है, लेकिन पार्टीशंस उसके ऊपर की एंटिटी हो गई, ब्लॉक उसके मतलब उसके उससे ज्यादा ग्रैनुलर कंपोनेंट है, ठीक है। तो ब्लॉक क्या होता है, व्हाट इज ब्लॉक, क्या बोल सकते हो, ब्लॉक, ब्लॉक स्टोरेज बोला है आपने, तो व्हाट इज ब्लॉक, स्मॉल चंक ऑफ डेटा। एक स्मॉल चंक ऑफ डेटा, रैदर देन सेइंग डेटा यू शुड से मेमोरी राइट, मेमोरी और स्टोरेज यू कैन से, नॉट मेमोरी ओके बट ओके स्टोरेज और इट इज अ डिस्क स्पेस। डेटा ओके, स्टोरेज। मतलब अगर आप अपने ऊपर देखो या डेटा स्टोरेज, यस सॉरी, सर काम अगर फिर हाँ मैंने एक महीने से रिचार्ज करा लगा किया था करंट पे फोर से जी, रिकरेंस में तो SMS वगैरह ना रहे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। ब्लॉक मतलब क्या है, एक स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ मेमोरी है, ठीक है। अगर 1 GB का टोटल स्टोरेज है हमारा कोई भी, तो हमें ना उसको अलग अलग चंक ऑफ मेमोरी में स्टोर करना है। क्यों चंक्स में डिवाइड करते हैं हम लोग कोई मेमोरी को, क्यों करते होंगे, मतलब कोई थॉट आपके दिमाग में आता है कि कोई भी चीज को ज्यादा ब्लॉक्स में डिवाइड करने का क्या एडवांटेज हो सकता है कोई भी मेमोरी को, स्टोरेज को, डिस्क को? डेटा कैन बी यस स्टोर्ड पैरेलली प्रोसेस पैरेलली सो द स्पीड विल बी फास्टर। कैन बी प्रोसेस पैरेलली, एग्जैक्ट, यस यू, यस दैट इज वन थिंग। लेकिन अगर ब्लॉक के स्पेसिफिक आप सोचोगे, तो जब आप रीड करते हो कोई भी डिस्क से, तो आप पूरा का पूरा डिस्क स्पेस एक साथ रीड करने में आपको दिक्कत होगी, आपके एप्लीकेशन के पास इतनी ज्यादा मेमोरी नहीं होगी राइट। रैम में, रैम देखो, कोई भी डिस्क से ना जब रीड राइट ऑपरेशन होते हैं, तो एप्लीकेशन का जो भी प्रोसेसिंग होता है, तो व्हाट हैपेंस इज, आपको ये बेसिक चीजें पता है क्या, कि देखो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर एक कोई भी एप्लीकेशन पे प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है, उसके पास उसके कंप्यूट होते हैं, मतलब कोर नोड्स होते हैं, उसके पास रैम होती है और उसके पास डिस्क होती है राइट। तो डिस्क पे डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। जब उसे प्रोसेसिंग करनी है ना कोर्स में, तो उसे डेटा चाहिए रेडिली अवेलेबल ऑन रैम राइट, एम आई मेकिंग सेंस? यस सर, हाँ, तो रैम पे अवेलेबल चाहिए, वो डिस्क पे से प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो क्या होता है, आप जब कोई भी डेटा फेच करते हो, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, यू फेच द डेटा फ्रॉम डिस्क एंड इट कम्स इनटू योर रैम फॉर हेल्पिंग योर कंप्यूट नोड्स और कोर्स टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस ऑन इट। तो आपके पास एक लिमिटेड रैम स्पेस है राइट। तो अगर आपको कोई भी डेटा डिस्क से रिट्राइव करना है, इफ इट इज इन स्मॉल चंक्स, इट इज यूजफुल फॉर यू, ठीक है, क्योंकि आपको आउट ऑफ मेमोरी इश्यूज नहीं आएंगे रैम रिलेटेड, ठीक है। अगर 1 GB का स्टोरेज है, अगर आपको हर बार डेटा प्रोसेस करना है 1 GB का पूरा 1 GB रीड करना पड़ेगा रैम, नॉट नेसेसरीली आपका रैम 1 GB का, देखो थोड़ा ज्यादा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 16 GB रैम है, लेकिन आपका डिस्क स्पेस है 100 GB, हर बार आप 100 GB रीड कर पाओगे क्या रैम?
नहीं राइट, तो आप फिल्ट्रेशन लगा सकते हो, ब्लॉक स्टोरेज होगा तो। कोई भी ब्लॉक्स में अगर मेमोरी चंक सेगमेंटेड है, उसका कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है ब्लॉक में, ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन फिल्टर आउट विच ब्लॉक्स टू फेच इनटू द रैम। समझ में आ गया? कुछ समझ में यस आया? सर, कुछ आना यस समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत? हाँ, तो मेन पर्पस क्या होता है ब्लॉक स्टोरेज का, कि व्हेन वी स्टोर इट इनटू स्मॉल मेमोरी चंक्स, इट मेक्स योर रिट्रीवल एंड राइट ऑपरेशंस आल्सो इजियर, एफिशिएंट बनाता है, ठीक है? तो ब्लॉक स्टोरेज अगर देखोगे तो आपका HDFS एक ब्लॉक स्टोरेज है, राइट? यस ठीक है, तो उसमें आपको पता है स्पार्क का डिफॉल्ट ब्लॉक साइज क्या है? 128 MB. 128 MB, 128 MB, राइट? कैन इट बी एक्सटेंडेड? यस यस, इट कैन बी एक्सटेंडेड, राइट? यस, डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन यू कैन सेट द प्रॉपर्टीज और कॉन्फिग्रेशंस, राइट? तो जब स्पार्क सबमिट करते हो तब भी कॉन्फिग्रेशन प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप स्पार्क एप्लीकेशन स्क्रिप्ट में भी कॉन्फिग्रेशन सेट करने का ये दे सकते हो, ठीक है? तो यू कैन एक्सटेंड योर ब्लॉक स्टोरेज डिपेंडिंग ऑन योर जो भी आपका प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क का कॉन्फिग्रेशन, ठीक है? सो या ठीक है, ब्लॉक स्टोरेज को हम लोग ना चैट जीपीटी से थोड़ा देख लेते हैं, मतलब तो हमें क्या समझ में आता है देखेंगे उसमें, और कुछ चीजें होंगी। देखो क्या बोल रही है, ब्लॉक स्टोरेज इज द टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटिंग एंड डेटा मैनेजमेंट, ठीक है? वन ऑफ द टू वो, ठीक है, फाइल और ये। तो देखो, ब्लॉक स्टोरेज इज ऑफन एसोसिएटेड स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स एंड यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इससे समझ में आया, स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं हम लोग, ब्लॉक में रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट? रिकॉर्ड्स आर अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है? की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ब्लॉक स्टोरेज डिवाइड डेटा इन टू फिक्स साइज ब्लॉक्स। हमने यही बोला, फिक्स साइज ब्लॉक्स मतलब फिक्स साइज मेमोरी चंक्स, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम फ्यू बाइट्स टू सेवरल मेगाबाइट्स। इसको गीगाबाइट में क्यों नहीं करते हो? बोलो बोलो, अभी हमने बात की इस चीज की कि रिट्रीवल और प्रोसेसिंग फास्टर होना चाहिए, इसलिए जितना यस स्मॉल डेटा साइज होगा उतना थोड़ा फास्टर होगा प्रोसेसिंग. ओके, जितना स्मॉल होगा, फोर बहुत ज्यादा जब स्मॉल होता है ना तब भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है? एक ऑप्टिमल ब्लॉक साइज होना चाहिए एज पर योर क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है कि जिसमें क्यों बोल रहा हूँ, यस ठीक है ना? एकदम छोटा भी होगा तो भी रीड राइट ऑपरेशन, स्मॉल फाइल प्रॉब्लम वगैरह पता है किसी को? यस मतलब सुना है कभी कभी. चलो ये ना, मतलब ये स्पार्क का पार्ट है, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन ये ना चीज आप पढ़ लो, स्मॉल फाइल प्रॉब्लम होता क्या है, ठीक है? जनरली डेटा स्क्यूनेस से रिलेटेड है वो. डेटा स्क्यूनेस से, हाँ रिलेटेड तो है, हर चीज रिलेटेड है, लेकिन स्मॉल फाइल प्रॉब्लम का इश्यू क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्यों है, स्मॉल फाइल रखना प्रॉब्लमेटिक क्यों है, ये चीजें समझ लो पहले। ये रीड राइट कैसे स्लो करता है, सब डायरेक्टरीज ओपन करने में इश्यूज क्यों होते हैं, हाउ इट क्रिएट्स नोलेस स्लोनेस इन योर एप्लीकेशन, इफ यू हैव मल्टीपल फाइल्स और आपको हर बार छोटा छोटा चंक ऑफ डेटा है उसमें, ठीक है? तो हर बार आपको डायरेक्टरी ओपन करना पड़ेगा, फाइल ओपन करना पड़ेगा, ये ओपन ओपन और क्लोज करना फाइल, ये आपका डिले क्रिएट करता है एप्लीकेशन, ठीक है? तो ये क्या इश्यू है ना, ये खुद से पढ़ लो एक बार, क्योंकि इट इज वेरी यूजफुल, आपको कहीं पे पूछा जा सकता है, नॉट जस्ट पूछा जा सकता है, आप कभी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करोगे ना तो आपको कभी सजेशन पूछे जा सकते हैं, कि या फिर आपको जब अगर डिजाइन करना है कुछ चीज आपके एंड से, तो यू नीड टू कंसिडर सर्टन थिंग्स, ठीक है? कि यार मेरे जो डिरेक्टरीज है, मेरे फाइल्स है, बहुत छोटे तो नहीं है अकॉर्डिंग टू माई आर्किटेक्चरल नीड्स, ठीक है? विल इट क्रिएट क्या बोल सकते हैं, मतलब डिले क्रिएट करेगा क्या, स्लोनेस लाएगा क्या मेरे डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क में? तो फॉर दैट इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट नो, इट बिकम्स हैंडी, ठीक है? मेगाबाइट्स में क्यों करते हैं, सिंपल एक्सप्लेनेशन, आपके रैम साइज बहुत बड़े नहीं होते, ठीक है? आपके रैम साइज अगर GBs में है तो इट इज बेटर टू कीप योर ब्लॉक साइजेस इन MB, राइट? और ईच ब्लॉक इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफायर विच इज यूज टू लोकेट एंड एक्सेस डेटा, हमने बोला अभी,
कि हम लोग फिल्ट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन आर नीड हम लोग वो ब्लॉक को रैम में फेच करते हैं। सिक्वल में किसी ने इंडेक्स के ये कॉन्सेप्ट पढ़ी है क्या? इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट पढ़ी है किसी ने? मतलब पूछूंगा नहीं क्वेश्चन, टेंशन मत लेना, हाँ इट्स या लाइक ना बोल दो मेटा बस। डेटा फॉर द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, क्या क्या? यस सर, डाटा इट्स रिट्रीवल लाइक अ मेटा की डेटा। वी जस्ट नो दैट टू परफॉर्म इम्प्रूव द क्यूरी परफॉर्मेंस यू यूज द इंडेक्सिंग दैट यस, इज हाँ हाँ। तो कैसे क्वेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है ना, वो अगर समझोगे ना तो आपको इंटरनल समझेगा उसमें कि हाउ इंडेक्स टेबल इज मेंटेन्ड एंड व्हेन एवर फिल्ट्रेशन क्वेरीज आर फायर्ड हाउ इंडेक्स टेबल हेल्प्स टू लोकेट अ पर्टिकुलर ब्लॉक एंड हेल्प्स यू टू फेच दैट पर्टिकुलर। भी सुनी है या फिर समझी है ना तो आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो वो कर लो आप एक बार, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इंडेक्सिंग, लेकिन आपको अगर इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे तो इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, क्या बोल सकते हो, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आपको टाइम पे रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है इफ यू हैव कनेक्टेड ऑल द डॉट्स राइटली। तो ठीक है, तो देख लिया करो ऐसी चीजें कि मेमोरी रिलेटेड जो भी चीजें होती है, डेटा फेचिंग रिलेटेड जो भी चीजें होती है, थोड़ा डेप्थ में देखा करो, ठीक है? तो ये हो गया डेटा ऑर्गेनाइजेशन। लो लेवल एक्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय लो लेवल एक्सेस? ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड्स लो लेवल एक्सेस टू डेटा, मीनिंग दैट यू कैन रीड फ्रॉम अ राइट टू इंडिविजुअल ब्लॉक्स ऑफ डेटा, राइट? ये लो लेवल एक्सेस क्यों बोलते हैं पता है क्या? इसका कंपैरिजन जब अगर फाइल फाइल सिस्टम से करते हो या फिर ऑब्जेक्ट स्टोरेज से करते हो ना, तो उसमें हम लोग रीड राइट ऑब्जेक्ट लेवल या फाइल लेवल पे करते हैं। यू आर नॉट डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, डायरेक्टली इंटरफेयरिंग विद द रिकॉर्ड्स, ठीक है? यहाँ पे ना ब्लॉक में डायरेक्टली रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लो लेवल एक्सेस, ठीक है? दिस लेवल ऑफ एक्सेस इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन सिस्टम दैट रिक्वायर्स अ प्रिसाइज कंट्रोल ओवर डेटा स्टोरेज, ठीक है? तो आप ना इस पे कंट्रोल क्यों है, क्योंकि आप इसको प्रॉपरली पार्टीशन कर सकते हो या फिर आपकी रिट्रीवल नीड्स के हिसाब से कोई भी अगर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई करनी है, जैसे इंडेक्सिंग हो गया, ठीक है? तो इंडेक्सिंग ब्लॉक स्टोरेज के लिए एक बेटर ऑप्टिमाइजेशन ऑल्टरनेटिव है, ठीक है? तो आप अगर इंडेक्सिंग को समझोगे ना तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? इसीलिए ना पहले की चीजें चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस, ब्लॉक स्टोरेज इज नोन फॉर इट्स हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज, इट इज ऑफन यूज्ड इन सिनेरियोस वेयर फास्ट एंड कंसिस्टेंट डेटा इज क्रिटिकल सच एज डेटाबेसेस, वर्चुअल मशीन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। आप अगर अगर वीएम भी यूज कर रहे हो ना, वो भी ब्लॉक स्टोरेज ही प्रोवाइड करता है, डेटाबेसेस है आपके आरडीबीएमएस, वो भी चंक ऑफ मेमोरीज ही, ठीक है? स्केलेबिलिटी, हाँ वही है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क में आप मोर डिवाइसेस डालोगे तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है? बाकी के तो पॉइंट्स इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? हम लोग देखते हैं अभी व्हाट इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज। उसके पहले हमें यह समझना है S3 एक ना ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है, ठीक है? देखोगे ना एक क्लाउड बेस्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्रोवाइडेड बाय AWS है। अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, ठीक है? आ सकता है क्वेश्चन, आ रहा है क्या किसी को? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या है बेसिकली, इसको पढ़ने से पहले, जैसे आपका डेटा ब्लॉक स्टोरेज में ब्लॉक्स के मतलब ब्लॉक्स में स्टोर हो रहा है, राइट? यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में स्टोर हो रहा है। ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट फाइल्स, बी ऑनेस्ट, ठीक है? एक कोई भी चंक ऑफ डेटा है और एक मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, ब्लॉक में मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली एसोसिएटेड है, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ना ये एक फाइल से रिलेटेड है, ठीक है? तो फाइल कैन बी इन मेमोरी लोकेशन बट योर डेटा एसोसिएशन इज विद द फाइल, ठीक है? और उसमें फाइल में सिर्फ डेटा नहीं रहेगा, उसका मेटा डेटा भी रहता है और उसकी बाकी की डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज भी रहती है, ठीक है? तो ब्लॉक में जैसे सिर्फ डेटा रहता है, यहाँ पे मेटा डेटा भी रहता है उसका, ठीक है? ऑब्जेक्ट स्टोरेज, सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट स्टोरेज, वो देख लेते हैं अभी।
designed to store and manage unstructured data as objects rather than files or blocks. मतलब हाँ, file storage is bit different than block storage, object storage to be honest, क्योंकि files में भी मेटा डेटा नहीं रहता है. इसमें एक एडिशनल कॉम्पोनेंट बोला था हमने कि आपका ऑब्जेक्ट ऑल्सो कंटेन्स मेटा डेटा. फाइल्स में सिर्फ डेटा रहता है, रिकॉर्ड रहते हैं, राइट. इट डिफर्स फ्रॉम दैट. इट हैज एडिशनल, क्या बोल सकते हैं, एडिशनल पैरामीटर. मेटा डेटा क्यों यूजफुल होता है आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं चीजों, ठीक है. इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर फॉर हैंडलिंग लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट, ठीक है. वेल सुटेड फॉर वेराइटी ऑफ यूज केसेस लाइक डेटा बैकअप, आर्काइवल स्टोरेज, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेब एप्लीकेशन, ठीक है. ये सारी एप्लीकेशन है ना, हमें समझ में आएगी जब हम लोग S3 के फीचर्स पढ़ेंगे. हाउ S3 इज यूजफुल फॉर डेटा बैकअप, ठीक है. हम लोग रेप्लीकेशन कैसे करते हैं, स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, आर्काइवल रूल्स कैसे लगाते हैं, ठीक है. व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय आर्काइवल? आर्काइवल पता है कि किसी को? काइंड ऑफ स्टोर डेटा विच वी वोंट रिक्वायर ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस. यस, आर्काइवल मतलब ऐसा डेटा जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं है लेकिन आपको मेंटेन करना है फॉर ऑडिटिंग, कंप्लायंस नीड, या फिर फॉर फ्यूचर यूज, विच कैन बी इनफ्रीक्वेंट यूज, ठीक है. तो आर्काइवल मतलब क्या है, जो चीजें फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हो रही है वो हम लोग कोई ऐसे स्टोरेज में डाल देते हैं या फिर ऐसे स्टोरेज क्लास में मूव करते हैं. वहां पे आपको रिट्रीवल टाइम थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन कॉस्ट जो एसोसिएटेड है ना स्टोरेज का वो कम होता है, ठीक है. अगर इनफ्रीक्वेंटली यूज हो रही है कोई चीज तो यू कैन अफोर्ड सम रिट्रीवल टाइम, राइट. कि एकदम से रिक्वेस्ट किया और इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं चाहिए हमें, वैसे डेटा हम लोग आर्काइव करके रखते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मैकेनिज्म है, ठीक है. कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब S3 स्टोरेज इज यूज फॉर स्टोरिंग इमेजेस, वीडियोस, ये सब चीजों के लिए भी S3 बहुत ज्यादा यूज होता है. जैसे होस्टिंग वेब एप्लीकेशन ऑल्सो, आपका वेब डेटा भी S3 में बहुत स्टोर होता है, ठीक है. स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग S3 का बहुत यूज किया जाता है, ठीक है. लेकिन वो हमारे एप्लीकेशन नहीं है, मतलब हमसे हमारे जो भी प्रोफाइल है उससे एसोसिएटेड वो काम नहीं है तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है. डेटा एज ऑब्जेक्ट्स ना, डेटा इज स्टोर्ड एज डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ डेटा इटसेल्फ. यस, देखो एक यूनिक आइडेंटिफायर, यूजुअली यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर और UUID और मेटा डेटा, ये चीज हमने पहले ही बोली है, ठीक है. डेटा होता है, मेटा डेटा होता है, ऑफकोर्स एक यूनिक आइडेंटिफायर तो होना ही चाहिए, राइट. क्यों चाहिए यूनिक आइडेंटिफायर हमें किसी चीज के लिए? So that system can locate the data easily. एग्जैक्टली, टू डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई अ डेटा. जब फिल्ट्रेशन करते हैं किसी चीज का, ठीक है, तो आपको एक सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए, ठीक है. अगर आपके सारे सबके नाम सेम ही होते तो अगर किसी को पर्टिकुलरली मुझे पूछना है तो मैं पूछ पाता क्या? समझो सबके नाम, क्या नाम है, सबके नाम आदित्य ही होते सब, ठीक है. तो मुझे किसी को एक को एड्रेस करना है तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एड्रेस, राइट. तो वैसा ही है, जब आपको कोई भी स्टोरेज सिस्टम में किसी चीज को बाहर से एक्सेस करना है एंड यू वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, राइट. ठीक है, मेटा डेटा क्या प्रोवाइड करता है? इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट सच एज इट्स टाइप, क्रिएशन डेट एंड एक्सेस परमिशंस, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस परमिशन भी होती है, यहाँ से हमें ये समझ रहा है क्या? हमने पॉलिसीज के टाइम पे देखा था क्या, बकेट लेवल पॉलिसीज वगैरह होती है. हमने बोला था कि हम बकेट का विजिबिलिटी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाय अटैचिंग पॉलिसीज. हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था. आई एम नॉट श्योर, मैं आई एम जस्ट आस्किंग. किया था क्या? नो सर, नहीं किया था. ठीक है ठीक है, हम करने वाले हैं चीज. आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि हमने बात की है या नहीं इस चीज पे, ठीक है. तो ये जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस कंट्रोल और बकेट पॉलिसीज है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे. दीज आर द फीचर्स ऑफ S3 जो हमें करने हैं, ठीक है.
स्केलेबिलिटी, हाउ ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्रोवाइड स्केलेबिलिटी, तो देखो कहाँ पे है, डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस, मेक इट इजी टू एक्सपैंड स्टोरेज एज नीडेड। ब्लॉक स्टोरेज ना, सॉरी ऑब्जेक्ट स्टोरेज ना, नॉर्मली ये जब क्लाउड का इन्वेंशन हुआ है ना, तब से ज्यादा यूज में आया है। मतलब आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ही क्लाउड ओरिएंटेड, तो आप क्लाउड ओरिएंटेड सोचोगे तो स्केलेबिलिटी इन क्लाउड इज वेरी मच इजियर। क्यों? क्योंकि आप यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर डेटा अक्रॉस मल्टीपल डेटा सेंटर्स, राइट? समझ में आ रहा है क्या? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बात कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है? लेकिन ये चीजें आगे समझ में आएगी, क्यों स्केलेबिलिटी ज्यादा है, क्यों अवेलेबिलिटी ज्यादा है, क्यों ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, ये सब चीजें फीचर्स में आएंगे, ठीक है? जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग, हम लोग देख रहे हैं बस इसमें। मोस्टली ना ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करने के लिए एससी यूज होता है। नॉर्मली हम स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए ना डेटा वेयर हाउसेस यूज करते हैं। डेटा वेयर हाउस AWS में हमारा रेड शिफ्ट है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए यूज नहीं होता। हम लोग बोलते हैं मेनली यूज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड डेटा भी स्टोर करते हो आप बहुत से प्रोजेक्ट्स में। हम लोग CSV फाइल वगैरह भी हैंडल करते हैं, तो S3 पे रखते हैं। CSV इज सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड फाइल है, राइट? JSON वगैरह अनस्ट्रक्चर्ड है, XML अनस्ट्रक्चर्ड है, राइट? तो वो उसके लिए भी स्टोर करते हैं हम लोग, ठीक है? सिंपल एक्सेस। ये देखो ये पॉइंट्स ना हम लोग आगे कवर करेंगे, ड्यूरेबिलिटी, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी तो आपको पता है, व्हाट इज रिडंडेंसी? हमने देखा एजी को कॉन्सेप्ट देखा था, अवेलेबिलिटी जोन्स, ड्यूप्लीकेशन ऑफ डेटा यस, ड्यूप्लीकेशन ऑफ डेटा, राइट? व्हाई डू वी डुप्लीकेट द डेटा? इजेंट इट वेस्टेज ऑफ आवर कॉस्ट एंड क्या बोल सकते हो, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर? क्यों लगता है हमें रिडंडेंसी? एग्जैक्टली, फॉर डिजास्टर रिकवरी और फॉर सिक्योरिटी पर्पस। डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट से ज्यादा हमें डेटा इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ डेटा, ठीक है? तो इसीलिए रिडंडेंसी एक, ऑल्दो इट इज एन इनएफिशिएंट ये, लेकिन हमारा कॉस्ट मतलब हम जो कॉस्ट इनकर करेंगे उससे ज्यादा हमारे डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। डेटा लॉस कैन कॉज ह्यूज लॉसेस, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग रिडंडेंसी मेंटेन करते हैं, ठीक है? तो क्लाउड और S3 कैसे रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है, वो सेम ही है, अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आपके रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है तो उसको क्या बोलते हैं, टू कॉन्करेंट फेल्योर, मतलब 2 टाइम्स कॉन्करेंट फेल्योर बोल सकते हैं ना, राइट? मतलब अगर 2 अवेलेबिलिटी जोन के डेटा सेंटर में डिजास्टर आ गया तो भी इट कैन सस्टेन दैट फेल्योर्स, इट कैन सस्टेन दोस टाइप ऑफ सिनारियो, दोस 2 कॉन्करेंट फेल्योर्स S3 कैन सस्टेन। उसका ये समझ में आएगा किसी को, हाउ S3 कैन सस्टेन 2 कॉन्करेंट फेल्योर्स? नो सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। यस, आई कैन, आई कैन। ओके, ठीक है। हम जब बोल रहे हैं कि एक रीजन में देर आर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स एंड जनरली योर S3 स्टोरेज हैज 3 रेप्लिकास, राइट? 3 रेप्लिका है, तो आप कौन, आपके अगर 2 रेप्लिकास डिजास्टर की वजह से वेस्ट भी हो गए, स्टिल यू यू हैव प्रिवेंटेड द डेटा लॉस, राइट? मीन्स स्टिल यू हैव एक्सेस टू योर डेटा, मीन्स इट कैन सस्टेन 2 कॉन्करेंट, क्या बोल रहे थे, 2 कॉन्करेंट फेल्योर्स, राइट? डिजास्टर फेल्योर्स। समझ में आया ये पॉइंट? यस सर, ठीक है। मतलब देखो, दो 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 जगह का डेटा भी वैनिश हो गया ना, तो तीसरे जगह पे तो है, राइट? फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे फिर, इसको और फॉल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए वो दो जगह का डेटा, मतलब वो एक जगह का डेटा और 2 जगह पे रेप्लिकेट कर दें, ठीक है? सो दैट और कभी डिजास्टर आएगा तब हमें ऐसे ही फॉल्ट टॉलरेंट ये मिलेगा, ठीक है? तो देखो, हाँ, ये डेटा वर्जनिंग क्या होता है हम लोग देखेंगे। वर्जनिंग इज ऑल्सो अ फीचर इन S3, ठीक है? कॉस्ट इफेक्टिव आर्काइवल, हमने आर्काइवल के बारे में देखा अभी, वाई आर्काइवल इज नेसेसरी, और कॉस्ट इफेक्टिव कैसा है वो देखेंगे, कि जो भी स्टोरेज क्लासेस S3 प्रोवाइड करता है आर्काइवल के लिए वो कितने चीप है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लासेस, ठीक है? इसीलिए बोलते हैं हम लोग ये कॉस्ट इफेक्टिव आर्काइवल प्रोवाइड करता है, ठीक है?
चलो फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। ब्लॉक स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज में एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ गई है ना। यस आप जब पढ़ोगे ना इसको खुद से, यूट्यूब पे जाओ, वीडियोस देखो, सो दैट विजुअल फॉर्म में ना वो कैसे स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या फिर ब्लॉक के फॉर्म में। ब्लॉक स्टोरेज मेरा टॉपिक नहीं है, वो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज मेरा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ब्लॉक स्टोरेज जब तक नहीं समझोगे ना तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज नहीं समझ में आएगा। तो कंपैरेटिव वीडियो देखो एक, सो दैट वो विजुअली ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ ना, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन। आई कैन इमेजिन इट इन माई हेड बिकॉज आई हैव वॉच अ सॉर्ट ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, राइट। तो आप एक बार वीडियो देख लो, ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट व्हाट थिंग्स आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये चीज कर लो आज। हम लोग स्टार्ट करते हैं S3 से, ठीक है। S3 क्या है? क्लाउड बेस्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है जो AWS ने हमें दी है। इट प्रोवाइड सिक्योर, ड्यूरेबल एंड हाईली स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हमने अभी देखा है सिक्योर बाय इंक्रिप्शन, हम लोग वो भी देखेंगे सिक्योरिटी में कि हाउ S3 प्रोवाइड सिक्योरिटी टू योर डेटा, ठीक है। सर्वर साइड इंक्रिप्शन होता है, क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन होता है, सर्वर साइड में भी फॉर डेटा एट रेस्ट, फॉर डेटा इन ट्रांजिट, वो सब होता है, वो हम देखेंगे। ड्यूरेबल, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबल? ड्यूरेबिलिटी का एक लेमन डेफिनेशन क्या है? ड्यूरेबल क्या होता है? ड्यूरेबल ऐसी कोई चीज बोलते हैं हम लोग जो लॉन्ग लास्ट करती है, ठीक है। मतलब आज आपने एक चीज खरीदी कोई भी, वो बहुत दिनों तक ना चल ही रही है, चल रही है, उसमें कुछ फॉल्ट नहीं आ रहे, राइट, या फिर वो खराब नहीं हो रही, उसको ड्यूरेबल चीजें बोलते हैं। तो हाउ S3 स्टोरेज इज ड्यूरेबल, मतलब क्या हो सकता है स्टोरेज की टर्म्स में ड्यूरेबिलिटी? कि देर इज वेरी वेरी लेस चांस ऑफ योर डेटा लॉस। मतलब इट इज प्रोवाइड, इफ यू हैव स्टोर्ड द फाइल टूडे तो बहुत सालों तक ऐसे नहीं होगा कि आपकी फाइल लॉस होंगी, ठीक है, अंटिल अनलेस यू एक्सप्लिसिटली डिलीट इट, ठीक है। तो मतलब देर इज वेरी लेस चांस ऑफ योर डेटा लॉस, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी मतलब वो चीज होते हैं। ड्यूरेबिलिटी का एक S3 का एक प्रिंसिपल है, 11 9s का एक क्लेम है कि 99.11 times 9 तक ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है S3, मतलब इतना कम फेल्योर का चांस है, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी वो हो गया, वो आगे देखेंगे। वैसे हम लोग हाईली स्केलेबल, ऑफकोर्स इनफाइनाइटली स्केलिंग स्टोरेज बोलते हैं हम लोग। चलो ये लिख लेते हैं हम, क्लेम ऑफ इनफाइनाइटली स्केलिंग स्टोरेज। ठीक है। हमने अभी बोला कि यूज फॉर स्टोरिंग इमेजेस, वीडियोस, वर्ड फाइल, पीडीएफ, एनीथिंग, यू कैन स्टोर एनीथिंग इन दिस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अभी आता है हमारा मेन पार्ट। तो अगर आप S3 के आर्किटेक्चर के अंडरस्टैंडिंग करोगे तो उसमें दो मेन कंपोनेंट आते हैं, बकेट्स और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। व्हाट आर बकेट्स एंड व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? बकेट्स आर नथिंग बट सॉर्ट ऑफ डायरेक्टरीज यू कैन से, एंड ऑब्जेक्ट्स आर सॉर्ट ऑफ फाइल्स, ठीक है। तो अगर आपको विजुअली कुछ इमेजिन करना है आपके बेसिक डेस्कटॉप के फाइल मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, तो एक बकेट आपकी एक मेन डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो फाइल्स रहते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को ना डायरेक्टली डेफिनेशंस में मत यूज करो, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर कोरिलेटिंग समथिंग विद समथिंग, नो, इट इज फॉर योर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। क्योंकि कुछ चीजें हैं ना जो आर्किटेक्चरली टोटली डिफरेंट है, हमने कभी देखी नहीं है, तो उसको विजुअली इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो वी शुड लिंक इट टू सम थिंग्स जो हमें पता है, ठीक है। तो बकेट्स मतलब डायरेक्टरीज बोल सकते हो आप, और ऑब्जेक्ट्स मतलब फाइल्स, ठीक है। सो व्हाट आर बकेट्स एंड व्हाट आर ऑब्जेक्ट? उसके पहले हम लोग ना एक बार हिस्ट्री में जाके देख ही लेते कि हाउ इट इज ऑर्गेनाइज, ठीक है, सो दैट आपका थोड़ा इमेजिनेशन तो बेटर होगा। देखो S3 में जाओगे आप, यार विटिम रूम वालों को ना हम लोग अलाउ कर देते हैं,
यहाँ पे देखो ऐसा कंसोल है S3 का, तो हमें देखते हैं बकेट्स, ठीक है, ये आर इन बकेट्स, ओके। तो देखो ये आपके बकेट्स है, अब अगर एक बकेट पे क्लिक करोगे आप, आपको अंदर बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे फोल्डर्स है, वैसे उसके अंदर डेटा हो, ठीक है, ये देखो फाइल है, ये आपको इसको आप बोलोगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज योर फाइल विच यू कॉल इट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे बकेट्स है, उसके अंदर आपकी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है, बकेट और ऑब्जेक्ट टाइप का आपका आर्किटेक्चर है इसमें, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा बकेट और उसके बारे में देख लेते हैं कि जो थ्योरेटिकल चीजें हैं ना, बकेट क्या है और बकेट का नेमिंग कन्वेंशन कैसा है, या फिर बाकी चीजें वो लोग, हम वो चीजें हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो बकेट शुड हैव ग्लोबली यूनिक नेम, बकेट शुड हैव ग्लोबली यूनिक नेम, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ग्लोबली यूनिक मतलब which is not used in anywhere in globe. ओके। तो अगर आपका अलग AWS अकाउंट है और मेरा अलग AWS अकाउंट है, कैन यू यूज द सेम नेम? मतलब मेरे AWS अकाउंट में तो मैं अगर ABCD करके मेरे बकेट का नाम देता हूँ, तो आपकी इसमें तो दे पाओगे, राइट? नो सर, नहीं दे नो पाऊंगा ना। सर. यस, दैट इज ग्लोबल यूनिक, मतलब किसी भी AWS, मतलब जितनी AWS बकेट एग्जिस्ट करती है ना, सारी बकेट का नाम अलग हो। आप जब बकेट क्रिएट करने जाओगे ना, बेसिक कोई नाम दे के देखना, वो एरर देगा कि सॉर्ट ऑफ ये यूनिक नहीं है, मतलब गिव एंटर अ वैलिड और यूनिक आइडेंटिफायर फॉर बकेट, ठीक है, बेसिक नाम दे पाओ, दे के देख लो, वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमें बकेट ग्लोबली यूनिक क्यों चाहिए होगा? डाटा स्टोर करते अपन डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट वी विल बी रीजन में. एक्सेसिंग डेटा ऑन यस, देम यू ऑन यूनिवर्सली. क्योंकि ना आपके बकेट को रेप्लिकेशन की परमिशन से अक्रॉस रीजन्स, ठीक है, समझो अफ्रीका में हमने समझो रीजन वाइज यूनिक नेम दे दिया, ठीक है, रीजन वाइज दे दिया, ठीक हो, ठीक है, और अफ्रीका में एक ABCD नाम की बकेट है, और हमारे यहाँ पे भी एशिया पैसिफिक, मतलब एपी साउथ 1A में भी एक ABCD नाम की बकेट है। अभी मैं एज अ यूजर आई हैव ऑल दी परमिशंस टू रेप्लिकेट इनटू अफ्रीकन रीजन, राइट? एंड नॉट जस्ट रीजन, क्रॉस अकाउंट भी हम लोग रेप्लिकेशन कर सकते हैं बकेट्स का, ठीक है। तो अगर सेम यूजर जिसके पास ABCD बकेट है, उसी को मैं मेरी ABCD बकेट का एक्सेस दे रहा हूँ, तो वो यूनिक आइडेंटिफाइड हो गया क्या? मतलब अगर मैंने उसी के इसमें ABCD और ABCD दो दो हो गए, तो हाउ AWS विल अंडरस्टैंड कि कौन सी बकेट में क्या है, राइट? समझ में आ रहा है क्या कि आपके कौन से लेवल तक आप रेप्लिकेट कर सकते हो या फिर शेयर कर सकते हो आपकी बकेट को, अक्रॉस रीजन्स भी कर सकते हो, अक्रॉस अकाउंट्स भी कर सकते हो, दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक इट ग्लोबली यूनिक, ठीक है। इतना समझ लिया तो भी बहुत है, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। समझा क्या किसी को? यस सर. ठीक है ना। हाँ चलो, सेकेंड क्या है कि बकेट्स आर डिफाइंड एट रीजन लेवल। अभी कंफ्यूजन होगी क्रिएट कि यार ये अभी ग्लोबली यूनिक नाम भी चाहिए और डिफाइंड एट रीजन लेवल, ये ऐसा क्यों हो सकता है? बोलो। क्योंकि रीजन लेवल पे आपको डेटा गवर्नेंस, डेटा लोकलाइजेशन या इस सारी चीजों का कंप्लायंस होता है, राइट? तो ये एक स्टोरेज है, बकेट इज अ स्टोरेज, राइट? तो रीजन लेवल पे अगर आप डिफाइन करते हो, तो यू कैन कंप्लाई विद द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ दैट रीजन, सिंपल।
you do have permission to replicate across other regions, but you will replicate it considering the governance requirements, right? बराबर. लेकिन डेफिनेशन तो रीजन लेवल पे ही है उसका. तो आप कोई भी बकेट जब क्रिएट कर रहे हो ना, आपको रीजन प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है? सो बकेट्स आर डिफाइंड एट रीजन लेवल, बट इट शुड हैव अ ग्लोबल यूनिक नेम, ठीक है? अभी नेमिंग कन्वेंशन पे जाते हैं हम लोग. मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यार, ये बहुत बोरिंग चीज है नेमिंग कन्वेंशन. तो आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या चीजें डालनी है और क्या नहीं, ठीक है? नेमिंग कन्वेंशन तो दो तीन पॉइंट्स है, लिख देता हूँ. वेरीफाई कर लेना एक बार आपकी तरफ से भी, इसमें कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, ठीक है? वेरीफाई कर लेना, कुछ करेक्शन है तो बता देना, ठीक है? सबको बता देना. 3 to 63 कैरेक्टर लॉन्ग बुक नेम दे सकते हो आप, ठीक है? और क्या है पॉइंट? आईपी एड्रेस नहीं दे सकते हो. ठीक है, और इट शुड स्टार्ट विद लोअर केस लेटर और नंबर, ठीक है? कोई कर रहा है क्या वेरीफाई? नेमिंग कन्वेंशन फॉर एस3 बकेट्स डालो, और कोई पॉइंट है तो बताओ मुझे. आइडल मत बैठे रहो. मैं टाइप कर रहा हूं ना, तो कुछ तो सर्च करके कुछ इनपुट दिया करो, ठीक है? क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा अगर आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो, ठीक है? तो बकेट के बारे में ये चीजें हो गई. अभी देखते हैं हम लोग. ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? अवॉर्ड स्पेशल कैरेक्टर से अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर्स, ओके, गुड. ठीक है, also we can use hyphens. हाइफन यूज कर सकते हैं क्या? हाइफन एंड डॉट्स, हाँ, मतलब स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट हाइफन, ऐसे डाल दो यहाँ पे. हाइफन और डॉट्स भी यूज कर सकते हैं. हाइफन Yes. ने यूज किया है, लेकिन डॉट्स भी. करेक्टली लिखा है क्या मैंने? यही बोलना चाहते थे क्या आप? Yes, sir. ठीक है. Avoiding our personal names. हाँ वो तो ठीक है, वो तो मतलब एक बेसिक ये है, क्या बोल सकते हो, मतलब वो कोई रूल नहीं बोल सकते हो, कि एक रिकमेंडेशन है कि पर्सनल नेम यूज मत करो, ठीक है? ऐसा कोई नहीं कि यूज करोगे तो आपको प्रिवेंट करेगा, राइट? कोई चीज ब्लॉक नहीं करेगी, आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो एक सजेशन है, ठीक है? वी कैन राइट इट, लेकिन ठीक है, वो एक अंडरस्टूड चीज है, इसीलिए नहीं लिखता. ऑब्जेक्ट्स, सो व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स क्या है? और ऑब्जेक्ट्स Also, we can mention the version for the better understanding in the name convention. वर्जन, यस यस, गुड पॉइंट, या यू कैन डू दैट. लेकिन बकेट का वर्जन, ओके, तो वर्जन, तो जब वर्जनिंग इनेबल करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो नेम में ही डाल देता है ना, इजंट इट? ओके. हाँ, तो वो डाल देता है आपके वर्जन, वर्जन्स डाल देता है, ठीक है? देखते हैं हम लोग आगे, अगर वो नहीं डालता है ना, तो हम लोग ये पॉइंट ऐड करेंगे, ठीक है? सर,
तो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, हमने जो एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते ऑब्जेक्ट इज अ एक्चुअल फाइल्स? डेटा एंड मेटा डेटा. यस, कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल डेटा, मेटा डेटा एंड यूनिक आइडेंटिफायर, राइट? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की भी होती है, एज ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की क्या होती है वो देखेंगे आपको, एक की रिप्रेजेंट, की नो, इट रिप्रेजेंट्स फुल पाथ टू दिस ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखते हैं अभी, ठीक है, चलो इस पे जाके देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो हम लोग ये देखो, आप देखो कोई भी बकेट में जाओगे, यहाँ पे गए आप, इसको सिलेक्ट करो, ये जो आपका S3 URL है ना, ये आपको ऑब्जेक्ट की एक्ट की तरह एक्ट करता है, कहीं पे पेस्ट करके देखते हैं हम लोग। वो आपके पूरा लॉन्ग पाथ दे रहा है, ठीक है, कि आपकी बकेट, आपके जो भी सब डायरेक्टरी है और ऑब्जेक्ट तक का लॉन्ग पाथ दे रहा है। दिस एक्ट एज अ क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। पर ओके, नहीं यार, ये तो URL हो गया ना, रुको रुको, ऐसा नहीं है, ये S3 कोलन आता है, ये तो URL आ गया था आपका, बकेट नेम, बकेट नेम क्या था हमारा, CAPEMR5। हाँ ये ऐसी, हाँ ये जो पाथ है ना, हम लोग कभी भी ना, आई थिंक ये URI पाथ होता है, URL और URI कंफ्यूज हो गया था। यस यस, ये URI, ये देखो URI का जो पाथ है ना, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट की, URL ने, URL तो एक लोकेटर है ना, वो तो आपका एक सॉर्ट ऑफ वेबसाइट की तरह जो एक्सेस पाथ देता है वो देता है, लेकिन ये URI जो है ना, यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर बोलते हैं हम लोग, तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट की, ठीक है, करेक्ट किया वो चीज। और क्या है इसमें, और कोई पॉइंट हमने कुछ और डिस्कस किया इसमें, और कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं हम लोग लिखने में? एक है मैक्सिमम ऑब्जेक्ट साइज है, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट साइज अलाउड इन S3 इज 5 TB। एक ऑब्जेक्ट का 5 TB साइज होता है, 5 TB मतलब कितना हो गया यार, 5000 GB का, 5000 GB, राइट? यस हाँ, तो एक और चीज याद रखो कि अगर कोई भी फाइल का साइज ना, इफ इट इज ग्रेटर देन 500 MB, तो S3 ना उसको मल्टी पार्ट अपलोड में ये करता है, अपलोड करता है, क्योंकि दैट इज मोर एफिशिएंट टू S3, ठीक है, मल्टी पार्ट अपलोड। ये सारी चीजें ना हम लोग जो लिख रहे हैं ना, उसके बारे में ना ज्यादा एक्सप्लोर करना ना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम लोग सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं कर सकते और सारी चीजें एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। अगर आपको इस चीज को कुछ एक्सप्लोर करना है, तो ट्राई इट ऑन योर ओन, एक फाइल ले लो 500 MB से ज्यादा,
ठीक है, क्योंकि आपको S3 5 GB तक फ्री है, राइट, तो कॉस्ट इनकर नहीं करेगा, आपको पता है जो भी परफॉर्म कर रहे हो ना चीजें, तो पहले तो सोचो कि ये कॉस्ट इनकर करेगा है, अगर आपके पास फ्री क्रेडिट नहीं है, अगर नहीं कर रहा है ना तो ट्राई टू डू इट ना, कि 500 MB की ज्यादा फाइल ले लो, वो मल्टीपार्ट अपलोड कैसे करता है देख लो, ठीक है, या फिर एटलीस्ट उसका वीडियो देख लो कि कैसे प्रोसेस कैसे होता है मल्टीपार्ट अपलोड का, ठीक है। फाइल साइज ग्रेटर देन 500 MB, ठीक है, और क्या है, ठीक है, इतनी चीज है शायद इसमें। हम लोग ना अभी की फीचर्स देखते हैं थोड़े बहुत, एटलीस्ट जो लिस्टेड की फीचर्स है वो देख लेते हैं। तो S3 की फीचर्स क्या है, हमने जैसे स्केलेबिलिटी देखा है, इट कैन बी स्केल्ड बिकॉज एज AWS क्लेम्स इट बीइंग इनफाइनाइटली स्केलेबल स्टोरेज, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डेटा सेंटर्स है, यू कैन स्केल, मतलब जितनी आपको बकेट में चीजें डालनी है, जितने आपको ऑब्जेक्ट डालने हैं उसमें, यू कैन डू इट, मतलब बकेट का कोई लिमिटेड साइज नहीं है, यू कैन पुट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू वॉन्ट, ठीक है, तो ऐसा कोई फाइनाइट लिमिट नहीं है। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी के बारे में देखा हमने, ड्यूरेबिलिटी थोड़ा डीप में भी देख लेते हैं हम लोग, कि चलो ये इसको ना हम लोग 1 2 3 4 में लिखते हैं, सो दैट आई कैन गिव यू पॉइंट्स आल्सो, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है, लॉन्ग लास्टिंग यस, ड्यूरेबिलिटी मतलब हाउ ऑफन वी लूज फाइल, ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइल लॉस। हमने देखा था ये कि आज मैंने अगर फाइल अपलोड की है तो कितना टाइम लगेगा, जनरली अगर आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करोगे तो फाइल लॉस होने में कितना टाइम लगेगा, वो उसको ड्यूरेबिलिटी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी एक मेन कंपोनेंट है S3 का, ठीक है, तो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मोर ड्यूरेबिलिटी इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है मोर ड्यूरेबिलिटी, लॉस, मिनिमम लॉस, सॉरी, मिनिमम लॉस, यस, लेस लाइकलीहुड ऑफ लॉस, राइट, यस, तो मतलब ज्यादा ड्यूरेबिलिटी S3 प्रोवाइड करता है हमें, राइट, ठीक है, तो S3 का क्लेम है इट हैज हाई ड्यूरेबिलिटी टू एन एक्सटेंट ऑफ 11 9s, मतलब क्या बोलता है कि 99.11 times 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, कि 11 9 times तक की इतनी ज्यादा प्रिसीजन है उनकी कि फाइल लॉस इतना हो नहीं सकता है, ठीक है, मतलब इतने ज्यादा एक्यूरेसी है उनके पास कि टू प्रिवेंट अ फाइल लॉस, ठीक है, और आगे हम लोग ना स्टोरेज क्लासेस देखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम लोग स्टोरेज क्लासेस देंगे देखेंगे, तो उसमें ना सारे स्टोरेज क्लासेस के लिए सेम ही ड्यूरेबिलिटी है, सेम फॉर ऑल स्टोरेज क्लासेस, क्यों देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि अवेलेबिलिटी वाली जो चीज है ना, तो अवेलेबिलिटी चेंज होती है क्लासेस टू क्लासेस, स्टोरेज क्लासेस टू स्टोरेज क्लासेस, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इज एट S3 लेवल, ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी इज सेम फॉर एवरी स्टोरेज क्लास, ठीक है, और क्या है हमारा सेकंड सेकंड चीज, चलो वर्जनिंग देख लेते हैं, अभी सेकंड पॉइंट वर्जनिंग देख लेते हैं, व्हाट इज वर्जनिंग, इसका हम लोग कल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, और बकेट बनाएंगे हम लोग, पहले प्रैक्टिकल करना है क्या, थ्योरी कवर करने से पहले, वुड दैट बी मोर यूजफुल, बोलो, सजेशन ले रहा हूँ आपसे, ठीक है, मतलब थ्योरी थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो प्रैक्टिकल में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले थ्योरी क्लियर कर लेते थे, ऐसे ही बोल रहे हो, राइट, हाँ ठीक, चलेगा, वैसे करते हैं हम कल के सेशन में पूरा प्रैक्टिकली करते हैं इसके, और हम लोग इसको रिविजिट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल करेंगे मतलब हम लोग कुछ कनेक्ट नहीं करेंगे इससे, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर चीजें थियोरेटिकली पहले पढ़ाई जाती है इट इज मोर डिफिकल्ट, लेकिन पहले प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाता है ना वो भी मोर डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं जो भी सेकेंड चीज पढ़ेंगे ना
उसके टाइम पे हम लोग थ्योरी को रिलेट करने का ट्राई करेंगे, राइट। तो क्या हो गया ये S3 वर्जनिंग। वर्जनिंग क्या है कि कैसे लिखेंगे हम लोग वर्जनिंग को, एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि देखो अभी एक S3 फाइल है, S3 बकेट है आपके पास, तो S3 बकेट को वर्जनिंग इनेबल करते हो मतलब उसके जो ऑब्जेक्ट्स है ना, उसके ऑब्जेक्ट्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं यू आर ट्रैकिंग दोस चेंजेस। समझ में आ गया कि अगर एक मेरी फाइल है, जैसे हमने CABMRI हमारी बकेट है, उसके अंदर एक sales.csv करके फाइल थी ना, ये sales.csv फाइल है, एट दिस मोमेंट एट 12 o'clock उसमें अगर 1000 रिकॉर्ड्स है, तो अगर उसमें हम लोग कुछ डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, जो 12 बजे के जो स्टेट ऑफ फाइल है ना, वो मुझे चार्जर कनेक्ट करना है, जो 12 बजे की जो स्टेट ऑफ फाइल है ना, उसका एक वर्जन क्रिएट होगा, ठीक है। तो वर्जन क्रिएट करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि 12:01 में जो भी चेंजेस होंगे, समझो उसमें ऐसे चेंजेस हुए जिससे कुछ चीजें डिलीट हो गई, ठीक है, तो एंड यू डोंट मतलब वो एक अननेसेसरी एक्शन थी जो मतलब गलती से हो गई थी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ना वर्जनिंग इज हेल्पफुल, राइट। अगर आपको एक 12 बजे का स्नैपशॉट, टाइम बेस्ड स्नैपशॉट रखा जा रहा है किसी बकेट का, राइट, तो यू कैन रिवर्ट इट बैक। समझ में आया क्या, यू कैन रिवर्ट इट बैक टू प्रीवियस वर्जन। तो उससे क्या हो रहा है, यू आर प्रिवेंटिंग फाइल लॉस ड्यू टू अनइंटेंडेड एक्शंस, राइट। समझ समझ रहे हो कुछ भी, कैन यू रिपीट वंस अगेन? ठीक है। चलो वर्जनिंग क्या है बताइए क्या। हाँ, व्हाई डू यू वर्जन योर बकेट्स, ठीक है। बकेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप कोई भी डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हो, आपका कोई डैग रन हो रहा है, या फिर आगे जो भी चीजें होती है शेड्यूलिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से आपकी पाइपलाइन रन होती है, और आप उसमें चेंजेस करते हो किसी फाइल में, ठीक है, वो एक अनइंटेंडेड चेंजेस है, गलती से हो गया वो चेंज, ठीक है। एक पाइपलाइन एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रन करनी थी, वो पहले कर दी या फिर बाद में कर दी, ठीक है, तो आपके फाइल में जो रिकॉर्ड्स थे वो डिलीट हो गए या फिर अपडेट हो गए जो होने नहीं चाहिए। अभी आपको रिवर्ट बैक करना है कि इसके पहले जो भी डेटा था उसी पे रिवर्ट बैक करना है, तो वर्जनिंग इज हेल्पफुल, क्योंकि वर्जनिंग में क्या होता है, फॉर ईच चेंज नो इट क्रिएट्स अ न्यू वर्जन ऑफ फाइल, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस, गॉट इट सर, गॉट इट। यस, ठीक है। हाँ, तो हमारे अगर चेंजेस अनइंटेंडेड है विच इज कॉजिंग लॉस ऑफ डेटा, वी कैन रिवर्ट इट बैक टू प्रीवियस वर्जन। अभी हो गया क्लियर, यस सर, यस सर, यस। देन यस ओके, ठीक है। तो इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस टू वर्जन योर बकेट्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनइंटेंडेड चेंजेस, राइट। क्यू, टू प्रोटेक्ट डेटा लॉस, टू प्रिवेंट डेटा लॉस, बाय रिवर्टिंग इट टू प्रीवियस वर्जन, राइट। ठीक है, यही देखा हमने, हाँ लिख लिया वो। और क्या होगा वर्जनिंग में, इजी रोल बैक टू प्रीवियस वर्जन इज अवेलेबल, राइट। ठीक है, और एक चीज याद रखो कि अगर आपने अभी के लिए बकेट वर्जन वर्जनिंग इनेबल किया है और आप वर्जनिंग अभी डिसेबल करते हो बकेट की, ठीक है, तो आपके प्रीवियस वर्जन लूज होंगे या फिर वैसे ही रहेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने वर्जनिंग सस्पेंड किया है, अब तक वर्जनिंग इनेबल था, बिकॉज ऑफ दैट देर आर 4 वर्जन ऑफ फाइल दैट हैव बीन क्रिएटेड, ठीक है, तो अभी हमने वर्जनिंग डिसेबल किया, तो चारों के चारों मतलब जो भी वर्जन है
वो चले जाएंगे और लेटेस्ट वर्जन ही रहेगा या फिर वो वर्जन्स वैसे ही रहेंगे, क्या हो सकता है? लॉजिकली कुछ सोच पा रहे हो उसके बारे हाँ, आई थिंक लेटेस्ट वर्जन विल बी रिमेन. में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो वो प्रीवियस एक्शन है, राइट? उस टाइम के लिए, मतलब मैं लॉजिक दे रहा हूँ, ऐसे फीचर की रीजनिंग दे रहा हूँ, स्त्री ने ऐसा फीचर क्यों दिया है। आप एक टाइम पे आपको वर्जनिंग की नीड थी, तब आपने इनेबल किया था उसको, अब भी नहीं है इसलिए निकाल रहे हो, लेकिन उस टाइम की वर्जनिंग नीड्स अभी भी तो एग्जिस्ट करती है। उस टाइम जो भी आपने चेंजेस किए थे, शायद आपको तब जरूरत थी इसलिए चेंजेस किए थे। आप ये अज्यूम नहीं कर पाओगे ना कि फ्यूचर में वो जरूरत निकल गई है, राइट? तो वर्जनिंग, अगर इफ यू सस्पेंड द वर्जनिंग ऑल्सो, सस्पेंडिंग वर्जनिंग विल नॉट डिलीट, ये चीजें हम इतना नहीं देखेंगे, लेकिन आपको ये चीजें खुद से एक्सप्लोर करनी है। हम लोग वर्जिंग इनेबल करके देखेंगे, विल क्रिएट अ वर्जन, बट पहले करके सस्पेंड करके फिर वो डिलीट होता है या नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं कल बताऊंगा ये आप, ये आपको तो करना है, ठीक है? ठीक है, ये हो गया पॉइंट क्लियर। ठीक है, तो वर्जनिंग हम कैसे कैसे वर्जनिंग करते हैं, वर्जनिंग का ऑप्शन इनेबल कैसे करना है, वो लोग हम वो चीजें हम कल देखेंगे, ठीक है? आई थिंक हम लोग ना आज यहीं तक रुकते हैं, ठीक है? आपके कोई क्वेश्चंस होंगे वो हम एड्रेस करते हैं अभी, ठीक है? तो आज तो इतना ही करेंगे, कल हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करते हैं इसको, कल प्रैक्टिकल भी करेंगे और बाकी के थोड़े जो फीचर्स है उसको इन डेप्थ देखेंगे शायद ना। मैं तो सोच रहा हूँ कल कि प्रैक्टिकल के साथ साथ हम लोग थ्योरी अपडेट करते जाएंगे, दैट वुड बी मोर यूजफुल, ठीक है? आज यहीं पे रुक रहे हैं हम लोग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम नाउ, और उसके बाद हम लोग सेशन एंड करेंगे। बोलो, आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे तो मैं पूछ लेता हूँ थोड़े बहुत, मुझे भी कुछ डाउट्स है। आई स्टॉप शेयर और हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं थोड़े। कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट नहीं है इसकी पहले की कोई चीजों का डाउट? ठीक है, लेट्स एंड द सेशन फिर, अगर डाउट नहीं है तो एक्सप्लोर कर लो, बाद में अगर डाउट आता है तो कल पूछ लेना, ठीक है? यस यस श्योर, सर, यस ठीक है। हाँ, सर, आई कैन अंडरस्टैंड कि ओके. चीजें सारी एकदम से नहीं समझ में आएगी और क्वेश्चंस भी अभी नहीं आएंगे। जब आप खुद से एक्सप्लोर करोगे ना, खुद पढ़ोगे उस चीज के बारे में, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ, तो आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो कल पूछ लेना आप, ठीक है? ओके सर, अगर अभी क्वेश्चंस है किसी को तो पूछ लो, विल वेट फॉर 1 मिनट, बाद में हम लोग एंड कर देते हैं। आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट हम लोगों ने स्त्री से इंट्रोड्यूस किया खुद को, और कल हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज को ना गाइस। जितना पढ़ाया है ना वो पढ़ते जाओ, यू नेवर नो कि कब कोई सरप्राइज असेसमेंट हो या फिर कोई प्रैक्टिकल चीज हो, यू नेवर नो। आई एम जस्ट गिविंग अ हेड्स अप, यू नेवर नो, दैट्स व्हाट आई कैन से। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बताया नहीं था। चलो, हेलो. ठीक, यस, हेलो, एक्चुअली सर, ये क्वेश्चन नहीं था, डाउट था कि कल से जो चीजें पढ़ाने वाले हो आप, वो पैरेलल होगी क्या, मतलब थ्योरी विद प्रैक्टिकल? क्या ना डिबल सर, नॉट क्लियरली ऋतुजा, दैट्स व्हाई आई डिडंट गेट यू, जस्ट कैन यू रिपीट योर सेल्फ वंस? सर ना डिबल या नॉट क्लियरली, बट या यू कैन ट्राई, मतलब समझ में आता है तो मैं एड्रेस करता हूँ। बोलो, सर, तो कल से आप जो पढ़ाने वाले हो ना, वो चीजें मतलब पैरेलल होगी ना विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल? यस यस, विल ट्राई दैट। हम लोग क्या करेंगे, पहले ना बकेट क्रिएट कर लेंगे कल, ठीक है? बाद में बकेट की प्रॉपर्टीज, उसकी परमिशन लेंगे, और उस टॉपिक की थियरी वहीं पे कवर करेंगे, ठीक है? विल एड इट इनटू नोटपैड, दैट वुड बी मोर यूजफुल। मतलब मैंने ऐसे सोचा नहीं आज,
मुझे जब थ्योरी कवर कर रहे थे तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे लिए भी थोड़ा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज यू यू गाइज डोंट नो, मतलब वो इंटरफेस नहीं पता है या फिर उसके ऑप्शंस नहीं पता है, तो इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो। तो हम लोग कल वैसे करते हैं, पहले बकेट क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसकी बकेट की जो प्रॉपर्टीज है, परमिशंस है, उसमें जो टैब्स है, उसके हर फीचर को जाके देखेंगे, सो दैट यू विल हैव विजिबल ऑप्शंस विथ यू कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो क्योंकि हम लोग कल सिक्योरिटी भी देखेंगे, सर्वर साइड एनक्रिप्शन भी देखेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि थियरी में पढ़ाओ बाद में प्रैक्टिकल करो, तो अलॉन्ग साइड ही करेंगे कल। ठीक है, नहीं, यस। और कोई कंसर्न, कोई डाउट, कोई सजेशन बोलो। हेलो सर, यस हेलो यस बोलो हेलो सर, बोलो। जब जब हम EC2 कनेक्ट करते हैं ना, हाँ हाँ, तब कनेक्ट होने के बाद जो इंटरफेस ओपन होता है वहां पर, जब अपन लिखते हैं ना सुडो कॉलम, सुडो, यस हाँ, सुडो, उसके बाद हाँ आगे का कैसे करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या लिखा था मतलब आपने? कुछ फाइल बनानी होगी, कुछ कुछ कमांड्स देखे थे यूट्यूब पे, वो ट्राई हाँ किए थे पर नहीं हो रहा है। कुछ मिल सकता है क्या, कुछ डाटा कैसे करना है क्या नहीं, हमने कमांड देखा उसके? था ना हाँ डायरेक्टरी कैसे बनानी है, फाइल टच कमांड है एक फाइल बनाने हाँ हाँ की। हाँ हाँ देखा था सर, वो वही तो किया ऊपर नहीं? वहाँ पर ट्राई किया सर, CMD में ट्राई किया मैंने, हाँ जब ऊपर उस EC2 इंस्टेंस जब अपन कनेक्ट करते हैं ना हाँ तो EC2 पर अमेजोन SSH AWS। किया आपने, हाँ किया सर। SSH किया तो उसमें कमांड्स, लिनक्स बेस्ड AMI लिया था, राइट? हाँ, लेकिन लिनक्स बेस्ड लिया था, तो ये MKDIR, टच, ये सब चीजें तो वर्क करनी चाहिए। हाँ वो कर रही है सर, मतलब वहाँ करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। करना क्या है, मतलब देखो, कोई भी एक वर्चुअल मशीन है, जो भी चीजें हाँ आपको परफॉर्म करनी होती है, एक पर्सनल कंप्यूटर में क्या करते हो आप चीजें, अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना है, नई फाइल बनानी है, राइट? तो फोल्डर बनाते हो तो MKDIR डायरेक्टरी बनाना, मतलब वो फोल्डर बनाने की कमांड है। जो भी चीजें ओके कंप्यूटर ओके करते हो ना, तो मैंने वही बोला कि ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, उसके बेसिक कमांड्स लिनक्स के पता होने चाहिए कि डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरी चेंज करना, ठीक है, कोई चीज कॉपी करना या फिर कोई चीज मूव करना कहीं से, ठीक है, तो ओके ओके परमिशंस हैंडल करना, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ना हम लोग जब CLI यूज करते हैं ना, तो ये जब ये चीजें हैंडी आ जाए, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक है आपको सर। अगर सर्विसेज को हैंडल करना है ना, तो इट इज बेटर टू कॉन्फिगर AWS, AWS का CLI कॉन्फिगर करो, और उससे फिर IAM और S3 वगैरह, वो S3 EC2, वो वहां से ये करो। EC2 इंस्टेंस में सिर्फ जो भी आप वर्चुअल मशीन रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो वो कर सकते हो उसमें, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है सर, हमें ठीक है EC2 का कुछ इतना ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर, ओके सर, हाँ, थैंक यू उतना ही सर, एक्सप्लोर करो, नॉट एन इश्यू। ओके सर, ओके ओके। और कोई विवेक विकास को कोई सजेशन है, किसी ने कुछ और एक्सप्लोर किया उनको बताना है, लिनक्स की कोई कमांड्स जो यूजफुल लगे आपको, और कोई एक्सप्लोर किया किसी ने, बोल दो उनको, थोड़ी हेल्प हो जाएंगी उनकी भी। अभी बोल सकते हो आप क्लास में, बाकी लोगों को भी पता चलेगा। नहीं, CMD पे आपने जो बोला था ना, वो हाँ तो हाँ प्रैक्टिस की थी मैंने, उसके सेंड तो कर दिया मैंने, वो अभी मोबाइल से लॉग इन है इसलिए नहीं दिखा सकता कुछ। हाँ ठीक है, मैंने देखा हाँ आप, हाँ उतना ठीक ही है। किया है सर, ज्यादा कुछ नहीं। उससे फायदा ये हुआ है कि आप उन जब भी हम परफॉर्म कर रहे हैं तो खुद बता रहा है कि आप क्या मिस कर रहे हो राइट, हाँ, पैरामीटर, फिर ओके, वो ओके, वही पैरामीटर लेके अपन कर सकते हैं आगे, यस, मतलब ट्राई करके, मल्टीपल टाइम ट्राई करने के बाद वो आ जाएगा, फिर आता है ना, हाँ, वही वही आता है सर, होता है यार, आता मतलब आप है। आपने कहा था वो हैंडसॉन होना चाहिए, कि मतलब जो भी एटलीस्ट आप आपको पता IDEs तो यूज होना करते चाहिए हो वो या फिर आइडिया। CMD भी हाँ काफी सजेशन देते हैं। हाँ सर, हाँ हाँ, सर, सही है सर, उससे सारे फायदा तो ID, हुआ है। हाँ, वही परफॉर्म करो, खुद परफॉर्म करो, मिस्टेक्स करोगे, एरर्स आएंगे, तो अगर एरर नहीं आता है ना, तो आप ज्यादा सीखोगे भी नहीं। हाँ वो परफेक्शन भी ढूंढने के बाद अगर परफॉर्म करोगे ना, तो आप सीखोगे भी नहीं। तो थोड़ा सर्च करके डायरेक्टली ट्राई करो, आने दो एरर आ रहा है तो, हाउ टू रिजॉल्व द एरर, वो सबसे बड़ी चीज है। आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद ना, सबसे बड़ा काम करोगे आप, वो तो एरर रिजोल्यूशन ही है। डेवलपमेंट बहुत कम होता है, ठीक है, तो डेवलपमेंट आप खुद का खुद करते भी हो ना, तो भी ज्यादा बड़ा टीडियस टास्क होता है कि जो डेवलपमेंट किया है उसको टेस्ट करना, टेस्ट करना फॉर ड्यूरिंग डेवलपमेंट ओनली, कि उसको डिबग करना,
उसको रिजॉल्व करना, उसमें चेंजेस करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, तो ये एरर हैंडलिंग की चीज है ना, तो अभी से आपको जब एरर आएंगे और खुद के खुद रिजॉल्व करोगे उससे सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो ट्राई टू डू दैट। बाकी लोगों ने किसी ने किया क्या, जो CLI की जो कमांड्स वगैरह बोली थी, हैंड रेस करो, आपको बोलने में दिक्कत होती है तो हैंड यस रेस सर, करके किया किया है। है क्या? यस सर, किया है सर। किया है ना, तो हैंड रेस करो, कितने लोगों ने किया है, मुझे एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। क्योंकि ना अगर नहीं कर रहे हो तो हमें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, जब तक आप नहीं करते हो आपका असेसमेंट नहीं होता है, टिल दैट टाइम वी कैन नॉट प्रोसीड अगेन, ठीक है? ठीक है, 32, 33, 34, ठीक है, काफी लोगों ने किया है। अभी जो नहीं कर रहे हैं हम लोग उनको फोर्स तो नहीं कर सकते, ठीक है? जो कर रहे हो अच्छा है, यूजफुल होगा आपके लिए ही, ठीक है, आगे जाके, क्योंकि वो बर्डन सम नहीं होगा आगे, ठीक है? चलो लेट्स एंड द सेशन टुडे, आज के लिए इतना ही, और कल देखते हैं हम लोग आगे की चीजें, ठीक है? ओके सर, थैंक चलो बाय गाइस। यू सर, थैंक यू सर।